पंजाब में चुनावों में जीतने के बाद अब केजरीवाल सरकार गुजरात और हरियाणा के तरफ नजरें गड़ाए बैठी है। इसी बीच आपको बता दें, आज हरियाणा की जनता को संबोधित करने अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंचे। पंजाब का किला फतह करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी नजरें हरियाणा में गड़ा ली है। साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए बीजेपी सरकार पर आज अरविंद केजरीवाल ने काफी तीखा हमला बोला और कुछ विवादित बातें भी कही। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि त्रेता युग में राम जी ने रावण का घमंड तोड़ा, द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा और कलयुग में अब किसानों ने वाजपेयियों का घमंड तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी और मनोहर लाल खट्टर की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने यहां तक भी कह दिया कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे गुंडे, दंगा करने वाले और बलात्कारी बने, उन्हें बीजेपी के पास भेजना चाहिए। इतने बड़े विवादित बयान देने के बाद केजरीवाल यहां नहीं रुके। क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली की आप सरकार ने सरकारी स्कूलों को बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों के छात्र अब अपनी निजी स्कूल के समक्षों के बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।